लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान पहले दिन बुधवार को महानगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। महानगर के प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी कर पुलिस आने जाने वालों की चेकिंग करती रही तथा लोगों को बेवजह सड़कों पर नहीं निकलने की नसीहत देते नजर आई, जिसके तहत शास्त्री चौक पर एडीएम फाइनेंस ने पहुंचकर वाहनों की चेकिंग की तथा प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास को चेक किया तथा पास को लेकर अनायास घूमने वालों को चेतावनी दी कि पास को लेकर फालतू न घूमें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हम कौन सा औसत सर्विस हम दे रहे हैं, भाई ये घूमते फिरते रहते हो कहाँ से, यहाँ से थोक बेच रहे कहाँ से बात हुई साहब, जो किए सुने आप अगली बार हुआ चलान किया जाएगा, चलान के सर्जिकल आइटम अपने लिए रखती हूँ, पुलिस के लिए नहीं रखती, सही है सर। यहाँ पर ना हेड मास्क है मेरे पास, उसमें ग्लव्स है, सारे दवाई वाले से रोकता हूँ तो वो यही कहते हैं कि भाई सर्जिकल वाले तो हम हैं, अब तो आप सर्जिकल वाले नहीं। पेशेंट कहाँ है आपका? वो डाली रहा है। अच्छा ठीक है, किस काम को करते हैं? नहीं मोदी केमिकल सैनिटाइजर तो बना रही है, क्यों घूम रहे हैं आप? कहाँ सैनिटाइजर मिला? अच्छा दिया गया है कि दस चुना 50 रुपये देंगे हम, किसी को दीजिए। ट्रेन का नंबर नोट करिए, कहाँ है बताइए नंबर? अरे एक किनारे खड़ी कर लो भैया, एक किनारे खड़ी कर लो। निकल जाए जाने दीजिए डॉक्टर, ये आरपीएफ की है क्या गाड़ी? आरपीएफ वाले इनको देख पाए कहाँ के टाइम लॉकडाउन जब तक चलेगा तब ठीक ठीक। लॉकडाउन के बहुत बढ़िया 3 मई तक इससे पास भी जारी हुए थे, और क्या स्थिति है लॉकडाउन के साथ? लॉकडाउन की स्थिति ठीक है, लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जो हम लोगों ने पासेस जारी कराए हैं वो 2 प्रकार के पास हैं, शुरू में प्री प्रिंटेड पास जारी हुए थे वो भी वैलिड हैं, और जो ई पास जारी किए जा रहे हैं वो भी वैलिड हैं। जो पास 14 अप्रैल तक के लिए जारी किए गए थे अब उनकी अवधि ऑटोमेटिकली 3 मई तक मानी जाएगी, तो ये संदेश दे दिया गया है कि 14 अप्रैल तक के पास 3 मई तक माने जाएंगे। जायजा भी लिया आप लॉकडाउन का, कुछ वाहनों को भी देखे? जी जी जी। क्या स्थिति है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जो लोग अभी चल रहे हैं उनके पास किसी न किसी के द्वारा जारी किया गया पास है, और वो इसेंशियल सर्विसेज वाले ही ऑन रोड पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।